हुआ, वॉयलेंस कौन लेके आया कैंपसेस पे, किन्होंने सैंक्शन की, जनरल आया उसने बैन लगाया, क्यों लगाया होगा, अभी तक 36 साल हो गए, मैं इतने सालों की नहीं हूँ और कोई मुझे इसमें हंसी नहीं आ रही, मुझे दुख हो रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि 36 साल हो गए यूनियंस नहीं है, मैंने यूनियंस अपनी जिंदगी में नहीं देखी और मेरे से सवाल होता है बताएं जी वॉयलेंस करेंगे यूनियंस, मैं कहती हूँ भाई आप मतलब मैं कैसे बताऊं, आप लोगों ने बैन की हुई थी पहले से, आप लोग जवाब दें क्यों है बैन, मेरा सवाल करना बनता है, मुझसे कौन किसी की हिम्मत होती है सवाल करने की, वॉयलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे, वॉयलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर KLF का पहला दिन है, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, कराची आई हूँ जी, हम बीच लग्जरी होटल में बैठे हुए हैं और मुझे खबर क्या मिलती है कि हमारे साथियों को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जमीयत वालों ने अटैक किया है। वहां पे कल्चरल डे हो रहा था सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जमीयत वाले आते हैं और मुझे जमीयत की अभी की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम तो उसके मुताबिक बात करेंगे ना, हम कुछ 100 साल पहले की जमीयत, 50 साल पहले की जमीयत के बारे में बात नहीं कर रहे और उस नॉस्टैल्जिया से निकल आए। अभी की जमीयत क्या कर रही है, गुंडा है, गुंडागर्दी कर रही है सर। उन्होंने थैंक यू, मैं बात सॉरी मैं मुकम्मल करना चाहूंगी और छोटी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है ये बताना कि उन्होंने खंजर से अटैक किया पश्तून एजुकेशन डेवलपमेंट मूवमेंट के जो चेयरमैन है उसको, सराइकी काउंसिल, पश्तून काउंसिल और पंजाबी काउंसिल के लोगों के ऊपर अटैक किया। और फिर आप ये देखें कि ये जाहिलाना कोएलिशन, ये जालिमाना कोएलिशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो हम बहरहाल देखते आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हीं लोगों के ऊपर जिनके ऊपर अटैक हुआ था, उन्हीं लोगों के ऊपर अपने गार्ड से अटैक कराया,